क्रिस वाइडमैन इज बैक, और मैं ये बात बोल रहा हूँ, मतलब बैक का ये मतलब नहीं हुआ कि मतलब वो अब फिर चैंपियनशिप मतलब चैंपियन बन जाएगा या चैंपियनशिप कॉन्टेंडर हो जाएगा, लेकिन उसका माइंड सेट इतना अच्छा है। जब फाइट खत्म होने के बाद, मतलब उसका इंटरव्यू मैं देख रहा था, तो पहला बात की मैच की बात करें तो उमारी एकमेडोफ के साथ जो उसने मैच लिया है, और मतलब पूरा प्रॉप्स जाना चाहिए उसके कोचिंग स्टाफ्स को, जो ये वाला मैच एक चैंपियन और अनडिफीटेड चैंपियन को लेने के लिए, और टॉप 14-15 उमारी अकमेडोव का मतलब रैंकिंग था, तो क्रिस वेडमैन चैंपियन रह चुका है, और उसका फर्स्ट मैच इतना लोअर रैंक्ड आदमी मतलब फाइटर के साथ लेना, और मतलब बहुत बहुत अच्छा मतलब उसका डिसीजन था। और ये वाले फाइट में आप देखिएगा, मतलब उसको डब्ल्यू मिला, और इतना दिन से ये वो लूजिंग स्ट्रीक पे था, तो इस वजह से उसको डब्ल्यू लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। और आप याद कीजिए कि जब वो अनडिफीटेड था, हमको एक तरीके से एमएमए यूएफसी का मेमोरेबल आप मोमेंट का याद कीजिएगा, तो जब क्रिस वाइडमैन ने एंडरसन सिल्वा को हराया था, दैट वाज लाइक इपिक, बहुत ज़्यादा इपिक है। जैसे आपको कॉर्नर मैग्रेगर और खबीब का मैच था, वो बहुत ज़्यादा एपिक था, और उसके बाद से कॉर्नर मैग्रेगर जोजे ऑल्डो वाला बहुत ज़्यादा एपिक था, कॉर्नर मैग्रेगर और नेट डियाज ये भी काफ़ी ज़्यादा एपिक था। तो कॉर्नर मैग्रेगर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है एपिक चीज़ में, लेकिन इसी वजह से वो ब्लॉकबस्टर फाइटर था और बहुत ज़्यादा पेपर व्यू जनरेट करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप और बहुत ज़्यादा मीडिया क्रिएट हो जाता है। और हमको याद है उसी तरीके का मूवमेंट जब इट्स लाइक व्हाट्स हैपनिंग, तो उसी तरीके का मतलब मूवमेंट जब क्रिस वाइडमैन ने एंडरसन सिल्वा को हराया था, और वो अनडिफिटेड था उस वक्त, तो आप वो याद कीजिए वो फाइटर। लेकिन ये वाला फाइट जीतने के बाद मतलब कोई मीडिया कुछ उसके बारे में बात नहीं कर रही, और ये क्रिस वाइडमैन के लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये देखिएगा कि क्रिस वाइडमैन जीत गया और मतलब कि अब वो चैंपियन बन जाएगा, तो दैट्स बैड, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए और आप लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन ये काफ़ी अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्रिस वाइडमैन के लिए है, मतलब वो फिर से चैंपियन बनना चाहता है या कॉन्टेंडरशिप में आना चाहता है, कॉन्टेंडर बन सकता है। ये मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ कि वो बन सकता है या वो बन जाएगा या वो चैंपियनशिप के लिए नेक्स्ट फाइट या 2-3 फाइट के बाद खेलेगा, लेकिन उसका जो इस मैच के बाद जो इंटरव्यू में उसका जो माइंड सेट था, दैट वॉज अमेजिंग। पहला बात कि वो कार्डियो मतलब उसका सही नहीं लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा हाँप रहा था, ही वॉज लाइक बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहा था, और मैच में बहुत ज़्यादा वो जिस तरीके से आप याद कीजिएगा, जब स्टार्टिंग में क्रिस वाइडमैन चैंपियन जब था, तब उस वक्त वो मतलब अब फाइटर्स को ग्राउंड पे ले जाता था, और उतना ज़्यादा मतलब फ्लूडिटी के साथ वो ग्राउंड पे रखता था अपने रेसलिंग को, और रिस्ट कंट्रोल और ग्राउंड कंट्रोल उसका जितना अच्छा था, उतना अच्छा अभी नहीं दिखा, ठीक है। और हमको ऐसा लगा कि इस फाइट में उमारी वाली जो फाइट थी अभी जो हुई उसके बारे में मतलब बता रहे हैं कि उस फाइट में क्रिस वाइडमैन हमको थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था, मतलब कि वो हमको ऐसा लग रहा था कि वो कंफ्यूज हो रहा है कि वो फाइट ग्राउंड पे रखना चाहता है या वो फाइट स्ट्राइकिंग में रखना चाहता है। मतलब उसका मतलब प्रॉप्स और उसका मतलब स्ट्रांग स्ट्रेंथ चीज़ है कि वो ग्राउंड पे फाइट ले जाए, ग्राउंड पे रखे, रेसलिंग उसका बैकग्राउंड है, और ये क्रिस वाइडमैन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमएमए में सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत बार बात किया है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई भी मार्शल आर्ट है तो वो रेसलिंग है। मतलब अगर किसी के पास रेसलिंग है तो 50% मतलब वो ग्राउंड पे ले जाके कंट्रोल कर सकता है, और सामने वाला आपसे ज़्यादा अच्छा रेसलर है तो मतलब फिर आपका मतलब बैड लक है। लेकिन आपका रेसलिंग ज़्यादा अच्छा है तो मैं जानता हूँ कि हर राउंड स्टार्ट होता है स्ट्राइकिंग में, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे ले गए तो 5 मिनट अगर आप कंट्रोल कर दिया किसी को, आप ग्राउंड पे रखा और कंट्रोल कर रहे हैं, तो मतलब आप ग्राउंड मतलब राउंड जीत गए। तो ये क्रिस वाइडमैन का एक तरीके से स्ट्रेंथ था, और हमको इस फाइट में लगा कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है कि वो स्ट्राइक करे या वो रेसलिंग करे। हाँ, मैं जो माइंडसेट के बारे में बात कर रहा था, तो माइंडसेट इस क्रिस वाइडमैन का काफ़ी सही था, और मैच के बाद उसने बोला कि मतलब मैं डब्ल्यू लेने के लिए आया था और डब्ल्यू हमको मिल गया, लेकिन आई हैव टू वर्क फॉर इट, और मतलब मैं फिर से चैम्पियन बनना चाहता हूँ। तो मतलब वो अभी ये मानता है कि उसको कुछ वर्क करना होगा, लेकिन वो अभी ये भी मानता है कि वो चैम्पियन बन सकता है। तो मतलब एक तरीके से कॉन्फिडेंस भी फाइटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो क्रिस वाइडमैन के पास अभी भी है, और बहुत मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो ओल्ड है। मतलब मैंने अभी कुछ देर पहले फ्रैंकी एडगर के बारे में फाइट मतलब कि
उसकी फाइट जो हुई थी उसके बारे में बात किया था, तो मतलब वो 38 ईयर्स का है, अभी 35-36 का क्रिस वाइडमैन है, दोनों चैंपियन बन चुके हैं, तो दोनों की जो फाइट थी, तो मैं दोनों मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मीडिया में दोनों के बारे में ऐसा ना हो कि अभी हिस्ट्री जनरलाइज कर दिया जाए और बोला जाए कि दे बोथ आर मतलब दे आर बैक। तो मैंने पिछले वीडियो में फ्रैंकी एडगर के बारे में बताया था आपको कि ही इज नॉट बैक, मतलब कि वो एक तरीके से 2-3 फाइट के बाद मतलब वो चैंपियनशिप के लिए फाइट कर सकता है। उसी तरीके से क्रिस वाइडमैन हमको लगता है कि थोड़ा ज्यादा दूर है, जितना ज्यादा दूर फ्रैंकी एडगर है बैंटम वेट बेल्ट से, उससे ज्यादा दूर है क्रिस वाइडमैन मिडिल वेट वेट से, और उसको मतलब इतना ज्यादा जल्दी जंप नहीं करना चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि वो विक्टोरी जो है वो उसका नेक्स्ट अपोनेंट होना चाहिए, और काफी ज्यादा अच्छा मैचअप होगा। उसका रैंकिंग अभी 15 है और क्रिस वाइडमैन का 11 है, तो मतलब और अभी और ऊपर की जो फाइट है रैंक्ड अपोनेंट क्रिस वाइडमैन को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो उतना ज्यादा फ्लूइड नहीं लग रहा था, लेकिन उसका जो माइंड सेटअप है वो काफी ज्यादा सही अभी है, और हमको ऐसा लगता है कि अगर वो इसी तरीके का परफॉर्मेंस देता रहेगा तो 3-4 फाइट के बाद ही कैन बी बैक।